धनबाद के गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय के समक्ष 700 चयनित होमगार्ड जवानों ने बहाली में हो रहे विलंब को लेकर घेराव किया और धरना दिया। 1/1/2017 को गृह रक्षा वाहिनी की बहाली निकाली गई थी, जिसमें लगभग 600 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और उन तमाम सिलेक्टेड जवानों की मेडिकल और सारे प्रक्रिया पूरी किया जा चुका है। पर धनबाद के गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय से अब तक सिलेक्टेड कैंडिडेट की सूची रांची मुख्यालय नहीं पहुंची है, जिसके कारण आज तक उन तमाम सिलेक्टेड जवानों का ज्वाइनिंग नहीं हो सका। 1/1/2017 को झारखंड सरकार ने गृह रक्षक वाहिनी की बहाली निकाली थी, जिसमें धनबाद के 700 कैंडिडेट बहाली के चयन प्रक्रिया में सम्मिलित हुए और सभी चयनित कैंडिडेट का मेडिकल भी हुआ। पर उसके बाद सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट को जितना परेशानी सिलेक्शन में नहीं हुई, उतना उन्हें अब नौकरी पाने में परेशानी हो रही है। उन्हें लगातार 2 वर्षों से तारीख पर तारीख मिल रही है, पर नहीं मिल रही है नौकरी। उसमें कई ऐसे चयनित कैंडिडेट है जिनको बहुत जरूरत है इस नौकरी की, क्योंकि उनके घर का सारा भार उनके कंधे पर आ चुका है और वो इस नौकरी को पाने के लिए पिछले 2 वर्षों से रांची और धनबाद के चक्कर काट कर परेशान हैं। कई बार आश्वासन मिली पर अभी तक नौकरी मिलने का आसार नहीं दिख रहा है। खराब लग रहा है, इसके वजह से हम लोग दूसरा कुछ तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब सारा कुछ हो गया है। हम लोग का 2 पासबुक भी मिल चुका है, तो इसलिए दूसरा हम लोग कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं कि ये होने वाला ही है। तो इसमें बहुत हम लोग का दिक्कत हो रहा है और जाने आने में, और डेट बाय डेट हम लोग को मिल रहा है लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिला, तो इसके लिए हम लोग बहुत अपसेट है सर। कितने साल से परेशान? 2 साल से अभी तक इसी तरह हम लोग हैं। घर के लोग भी पूछते होंगे? बहुत पूछते हैं सर, क्योंकि हम मेरे पापा थे वो अगला महीना पापा डेथ कर गए हैं, इसके वजह से और ज्यादा हम लोग को तकलीफ है। वही धनबाद के गृह रक्षा वाहिनी के कंपनी कमांडर का कहना है कि सभी चयनित गृह रक्षक के प्रशिक्षण के लिए आदेश हेतु पत्र भेजा जा चुका है। जैसे ही पत्र का जवाब मुख्यालय से आ जाए, सभी चयनित गृह रक्षक की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चयनितों का ऑफिशियल पेपर तैयार हो चुका है, जैसे सभी का बैंक का खाता खुल चुका है और पेंशन का प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया इन लोगों का हो रहा है और मुख्यालय को लिखा गया है, बकायदा लेटर भी, इसका जवाब भी दिया गया है। डीसी साहब के यहाँ भी जवाब दिया गया है, एसपी साहब के यहाँ भी जवाब दिया गया है। मुख्यालय को लेटर लिखा गया है कि प्रशिक्षण के लिए आप आदेश दें, हम लोग प्रशिक्षण के लिए यहाँ से भेजेंगे, लिस्ट हमारा तैयार है। तो इसमें कितने लोग का सिलेक्शन हुआ होगा? इसमें 700 टोटल कैंडिडेट था और लगभग सब लगभग सीट पर, मतलब कुछ 100 के लगभग सीट खाली रह गया है, बाकी 600 सेलेक्ट। इसमें तो रिजल्ट तो सभी सार्वजनिक है, वो तो किसी का छुपा हुआ नहीं है, वो नेट पे भी लोड है, वो देखा जा सकता है कि कितना आदमी का सिलेक्शन हुआ है, कितना वैकेंसी था और कितना आदमी का सिलेक्शन हुआ है, उसको देखा जा सकता है। ये तो कोई बोलने का चीज नहीं है। इन लोग को अकाउंट भी खुल गया, बैंक अकाउंट भी? हाँ, वो सब सारा प्रक्रिया हम लोग जो भी बात का प्रक्रिया हम लोग पहले कर चुके हैं, टोटल प्रक्रिया हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोग बैंक अकाउंट जो बाद में खुलाने का चीज था, लेकिन हम लोग सारा प्रक्रिया पहले ही कर दिए हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि बाद में इन लोग को कोई दिक्कत हो, प्रशिक्षण के अंतर्गत जो भी पैसा इन लोग को मिलेगा उसमें कोई दिक्कत हो, इसके लिए हम लोग पहले अकाउंट इन लोग का खुलवा दिए, जो मानदेय इन लोग को मिलेगा। जो प्रॉब्लम है वो रांची से? हाँ बस, और बस प्रशिक्षण का आदेश आया कि हम लोग फिर लिस्ट हम लोग भेज देंगे, 1.5 महीने के अंदर इन लोग का ये हो जाएगा, प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा, उसके बाद इन लोग ड्यूटी करेंगे।